हेलो दोस्तों, आज देंगे वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट। ये एक साल पुराना मोबाइल, मतलब एक साल पहले ये लॉन्च हुआ था। अभी एक साल बाद इसको मैं ख़रीदा 16,000 के अंदर। 16,000 के अंदर ये मोबाइल आप ले सकते हैं क्या, इस वीडियो में आज देखेंगे। 16,000 के अंदर वन प्लस का सिक्योरिटी, वन प्लस का कैमरा, वन प्लस का डिस्प्ले कैसा है, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि ये 16,000 के अंदर ये मोबाइल आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं इसको थोड़ा क्विक अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। देखिए बॉक्स ऐसा आता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखा है नॉट सी टू लाइट, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ये रैप है, इसके साथ ये बिल देता है। अब ऑनलाइन से भी आपको बिल मिल जाएगा। तो मैं ऑनलाइन से ख़रीदा। इसका प्राइस मुझे पड़ा 16,250 रुपीज़। SBI कार्ड का ऑफ़र है, 6 128 GB वेरियंट। देखिए इसके अंदर लिखा है वन प्लस नॉट सी टू लाइट। तो इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर बॉक्स है, इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये जो केस है, बहुत अच्छा केस है, TPU केस बहुत अच्छा है। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, सिम इजेक्टर टूल है, और कुछ नहीं है, और थोड़ा पेपर है। तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं पेपर को, तो इसको साइड में रख देते हैं। हम मोबाइल को देखेंगे। देखिए मोबाइल कितना सुंदर दिख रहा है, देखने में ये मोबाइल एकदम क्लासिक है। 10 में 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग अगर इसका लुक्स का करूँ तो 10 आउट ऑफ 10। इसके अंदर चार्जर ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। देखिए चार्जर है, 33 वाट का चार्जर इसके साथ दिया हुआ है। उसका वही रेड केबल, टाइप सी केबल यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं फ़ोन को ओपन करूँगा। तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, आपको प्यार हो जाएगा इस मोबाइल के अंदर। मोबाइल का बैक देख के, बैक पॉलीकार्बोनेट है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर दिख रहा है। तो देखिए ये चालू हो रहा है, मैं इसको थोड़ा चालू कर लेता हूँ। देखिए ऑन हो रहा है। वन प्लस का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है चालू होने में। देखिए चालू हो रहा है। पहले ही बता दूँ, स्क्रीन IPS स्क्रीन है, AMOLED नहीं है। तो IPS के हिसाब से ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही अच्छा स्क्रीन है। चीनी भी बहुत कम है और कैमरा कटआउट भी बहुत छोटा ही है। कैमरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कैमरा। आपको दिखा देता हूँ सैंपल। IPS डिस्प्ले, आप अगर कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप IPS से स्विच कर रहे हैं या HD से स्विच कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। आप ये IPS है या AMOLED है, अगर AMOLED आप IPS से स्विच कर रहे हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपको इसको वीडियो क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ और कैमरा क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ। इसका वीडियो क्वालिटी देखिए, मस्त है वीडियो क्वालिटी। ये 695 प्रोसेसर है जो 4K सपोर्ट नहीं करता। 4K आप वीडियो देख भी नहीं सकता और वीडियो शूट भी नहीं कर सकते। तो फुल HD तक ही ये सपोर्ट करता है। ये जो प्रोसेसर है ये फुल HD सपोर्ट करता है। 5G प्रोसेसर है और 5G अच्छे से चलेगा, ये तो ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले है, बहुत बहुत अच्छा है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये AMOLED है या IPS है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, अगर AMOLED के पास आप रखेंगे, आप ऐसे ही ये इसमें मूवी या वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कितना अच्छा दिखने में है, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। देखिए कितना वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप देखेंगे कैमरा क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। मैं एक सैम्पल क्लिक किया हूँ, वो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं लफिंग बुद्धा का एक पिक्चर लेता हूँ।
पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, देखिए डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए मैंने उंगली को देखिए कितना अच्छा डिटेलिंग है। आप वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ, वीडियो जो इससे से रिकॉर्ड किया हूँ, देखिए वीडियो क्वालिटी देखिए कितना प्रोमिनेंट है। देखिए जूम भी देखिए, जूम करने में थोड़ा मतलब नाइट टाइम में थोड़ा नॉइज़ आएगा, ऐसे वीडियो क्वालिटी में कोई नॉइज़ नहीं आएगा। तो 16,000 के अंदर ये मोबाइल फुल रिकमेंडेड है। 16,000 के अंदर वन प्लस का सिक्योरिटी, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों, फ्रंट कैमरा 16 है, बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल, 64+2+2 बहुत ही अच्छा है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप सेटिस्फाई ज़रूर रहेंगे। अगर आप मीडियम यूज़र है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जो प्रो गेमर है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कैमरा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बेकार भी नहीं है, डिसेंट कह सकते हैं इसका कैमरा, और वन प्लस का सिक्योरिटी तो है ही। तो वन प्लस का ये फ़ोन 16,000 के अंदर फुल रिकमेंडेड है, आप आँख बंद करके ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, ऐसा और वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।